I hope my screen is also properly visible to you guys. So this is now community indifference curve. All the properties that you might have studied in microeconomics first semester, it has all the properties. But since agar aapko yaad nahi hoga, to I'll write everything regarding slope, regarding the convexity of this CIC. We'll write everything taking into account both nation one and nation two. So what are indifference curves? Anybody remembers what are indifference curves? You can unmute and speak. What are indifference curves? Nobody remembers? Budget constraint kiya tha, indifference curve kiya tha, phir tangency ke baad equilibrium nikala tha consumers ka, micro mein aise hi kiya hoga na? Which gives the same level of satisfaction. Rahul, thoda definition half nahi hai. Which matlab yahan pe which kya hai? Haan ji Avinash. मैम जो टू कंज्यूमर गुड्स का क्या बोलते हैं वो इक्वल सिचुएशन होती है. या सो बेसिकली इनडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव्स इक्वल सैटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. या टू गुड्स टू द कंज्यूमर बट हेयर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी सो वी विल से सीआईसी दैट इज कम्युनिटी इनडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस. दो अविनाश ने ज्वाइन किया है. एनीवेज सो इट शोज द वेरियस पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग इन गाइस जस्ट वन सेकंड. सो इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस. जब हम पीपीएफ में भी लिखते हैं तो उसमें भी हम वेरियस कॉम्बिनेशंस ही लिखते हैं ना. इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज that yield same level of satisfaction. अब यहां पे consumer की जगह आ जाएगा to the community or if you are talking about nation wise case so or nation. So this is community indifference curve. As we say for the normal indifference curve that the higher the indifference curve, the greater will be the satisfaction. Abhi draw karke bhi main dikhaungi isko. The higher the indifference curve. So similarly, we say that the higher the CIC, that is community indifference curve. Isko aap exam mein bhi CIC likh sakte ho. Ek bar full form likhke, you can write down CIC. Jaise indifference curve mein hum log IC likhte hain. So higher CIC shows greater satisfaction. So every country would like to have the combination of goods at a higher CIC, and the lower CIC shows lower satisfaction. Iske alawa hamara aur kya property hota hai indifference curve ka? What are other properties of indifference curve? Bahut sari properties aap logon ne padhi hongi micro mein. Anybody? बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना इंडिफरेंस कर्व की. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. यस सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का रीजन क्या होता है? व्हाई इज इट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? व्हाट इज द रीजन फॉर कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व? यस विदिशा दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट. बट व्हाट इज द रीजन फॉर द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी हम लोग किस पैरामीटर के बेसिस पे बोलते हैं? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का रीजन क्या है? सो व्हेन वी आर सेइंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन सो इट बेसिकली मींस दैट इट इज गोइंग लाइक दिस. दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एब्सोल्युटली राइट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज रिमेंबर MRS का फुल फॉर्म भी आई राइट डाउन आफ्टर डिस्कसिंग दिस. सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रीजन इज डिक्लाइनिंग MRS. MRS is the slope. So slope के पैरामीटर पे हम लोग कन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी को भी डिस्कस कर सकते हैं. देन एज विदिशा सेड ओके गाइज विदिशा सेड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट टू इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट. इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है? इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है? इंटरसेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? इसका आप लोगों ने एक टर्म माइक्रो में पक्का पक्का पढ़ा होगा. वॉट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? टू इनडिफरेंस कर्व. So we say that CIC
मस्ट नॉट इंटरसेक्ट टू बी यूजफुल, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या और ऐसा क्यों बोलते हैं? एनीबडी? नोबडी रिमेंबर्स? व्हाट इज ट्रांजिटिविटी? व्हाट इज ट्रांजिटिविटी? टर्म पढ़ा होगा, याद आ रहा है? कुछ ऐसी टर्म पढ़ी थी, ट्रांजिटिविटी। यस और नो, कुछ ऐसा पढ़ा था ट्रांजिटिविटी वाला। बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, रिफ्लेक्सिव पढ़ा होगा, ट्रांजिटिविटी पढ़ा होगा। राहुल क्या होता है फिर ट्रांजिटिविटी? बट नॉट रिमेम्बर। वाह ओके, कोई नहीं, अभी याद आ जाएगा। जस्ट लेट मी प्लॉट फ्यू पॉइंट्स। ओके, से दिस दिस इज द कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। वन सेकेंड, से दिस इज द कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। रवि इज ज्वाइनिंग इन फॉर नेशन वन। सो दिस इज फॉर नेशन वन। सो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सी आई सी पे अगर हमारे कोई भी दो पॉइंट हैं, दैट इज सपोज एन एंड ए, सो वी विल से दैट द लेवल ऑफ सैटिस्फेक्शन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए इज इक्वल टू एन, एंड द लेवल ऑफ सैटिस्फेक्शन विच इज ऑन द सेकेंड इंडिफरेंस कर्व दैट इज एच विल बी इक्वल टू टी, एंड थर्ड पे हम लोगों को मिल रहा है सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ ई। नाउ बिकॉज दिस थर्ड सी आई सी इज हायर दैन द सेकेंड सी आई सी, विच मीन्स द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड एट द पॉइंट ई विल बी ग्रेटर दैन द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड एट द पॉइंट एच एंड टी, एंड सिंस एच एंड टी लाइज एट अ हायर इंडिफरेंस कर्व दैट इज कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व टू एज कंपेयर टू ए एंड एन, विच मीन्स द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड ऑन एच एंड टी विल बी ग्रेटर दैन ए एंड एन। सो वी से दैट सी आई सी जितना ज्यादा हमारा होता जाएगा उतना ही ज्यादा हम लोगों का सैटिस्फेक्शन लेवल होता जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, ये जो हमने लिखा है ना कि सी आई सी हमारे इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, वो डायग्राम आपके सिलेबस में है नहीं, बट आपको ये रीजन क्लियर होना चाहिए कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ये बोल दिया कि हमारा जो सी आई सी है हायर सी आई सी होएगा तो उसकी हायर सेटिस्फेक्शन होगी। अब एक डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ, एक सेकेंड। आप लोगों को ड्रॉ करना है कर लेना, समझाने के लिए कर रही हूँ बस, ठीक है? सो सपोज ये हम लोगों का सी आई सी वन है एंड से ये हम लोगों का सी आई सी टू है। ओके, सो सपोज वी हैव अ पॉइंट हेयर ए एंड वी हैव अ पॉइंट हेयर एन एंड वी हैव अ पॉइंट हेयर से बी एंड वी हैव अ पॉइंट हेयर से सी। तो अब जो हमारा सी आई सी है उसमें क्या है, बी इज इक्वल टू सी सी आई सी वन में, और सी आई सी टू में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एन। बट आप एक चीज देखो कि हमारा जो सी आई सी वन का सी वाला पॉइंट है वो तो हमारे सी आई सी टू एन वाले पॉइंट से ग्रेटर है, तो यहाँ पे तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी ना, जो हमने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे लिखा है। तो अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो जिस बेसिस के ऊपर हम लोग कम्युनिटी के प्रेफरेंसेस को बोल रहे हैं कि कम्युनिटी के डिमांड प्रेफरेंसेस और टेस्ट प्रेफरेंसेस के बेसिस पे अगर ज्यादा सी आई सी लेवल अगर हायर है, कर्व हायर है, तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होएगा, वो वाली प्रॉपर्टी तो इंटरसेक्शन के केस में वैलिड ही नहीं रह जाती। और अगर वो इंटरसेक्शन के केस में वैलिड ही नहीं है, इसका मतलब तो हम लोग जो भी इक्विलिब्रियम अब डिराइव करेंगे आगे सी आई सी मैप को एज्यूम करते हुए, जब वो मैप ही हम लोगों का सही नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी सही तरीके से हम लोग नहीं एनालाइज कर पाएंगे क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो क्योंकि ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को अपोज करता है इंटरसेक्शन ऑफ सी आई सी, इसलिए हमने क्या लिखा, सी आई सी मस्ट नॉट इंटरसेक्ट टू बी यूजफुल बिकॉज इट डज नॉट स्पेसिफाई दिस ट्रांजिटिविटी, इसके साथ ही नहीं जाता है। इज इट क्लियर नाउ? ये फिफ्थ वाले पॉइंट का मतलब क्लियर है और ट्रांजिटिविटी क्या होता है वो क्लियर है। ये डायग्राम आपको राइट वाला बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने रीजन एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। गाइज इज इट क्लियर टू यू और नॉट?
इफ यू गाइज आर ड्रॉइंग तो ड्रॉ कर लो, पर ड्रॉ करके मैसेज करो कि क्लियर है. ओके इट्स क्लियर ओनली टू विदिशा. व्हाट अबाउट अदर्स? अमित, अनुराग, राहुल, हर्ष, संजना, मुदित. ओके ओके देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी लेफ्ट. ओके जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी पीपल आर एक्टिव विथ फोन? मतलब कितने लोग फोन से पढ़ रहे हैं? ओके जस्ट क्विकली मैसेज, आई वॉन्ट टू नो. राहुल इज फ्रॉम फोन, विदिशा इज फ्रॉम फोन, बट विदिशा इवन देन यू आर एक्टिव फोन से हो, तब भी आप क्विकली रिप्लाई कर देते हो. ओके संजना, अदर्स आर फ्रॉम लैपटॉप. मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम योर फोन्स. डायग्राम्स नजर आ जाते हैं आपको, इतना स्ट्रेन आप आंखों पे दे रहे हो. ओके ऑल राइट, चलो आई जस्ट रब दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज आई वॉन्ट टू ड्रॉ, सॉरी राइट हैंड साइड, आई वॉन्ट टू ड्रॉ दिस नेशन टू मैप ऑल्सो. प्रायर टू दैट देर इज वन प्रॉपर्टी मिसिंग विच आई विल राइट. मैम यस मुदित, यू आर सेइंग समथिंग? मैम, वो कुछ इससे हटके पूछना था हाँ जी. मैम। आपने कहा था 12 जनवरी के बाद जो क्लास हुई थी 13th जनवरी को, उसमें हमने एंड करा था, पर उसमें मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी 13th जनवरी की, तो उसमें तो कोई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ आप बता रहे थे, तो वो मैंने गलत अपलोड कर दी किस। क्या? मैंने स्टैट्स वाला अपलोड कर दिया होगा अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ गया है तो. मैं मुदित आज चेक करूंगी, ठीक है? ओके मैम, मैंने शायद स्टैट्स की रिकॉर्डिंग फिर अपलोड कर दिया अगर ऐसा हुआ है तो. चलो क्लास के बाद देखती हूँ. ओके मैम। ओके सो वन प्रॉपर्टी इज मिसिंग, सिक्स्थ. सो नॉर्मल है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है. दैट इज नेगेटिवली स्लोप. नेगेटिवली स्लोप बिकॉज एज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी विल इंक्रीज, दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा. सो वी से दैट एज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, द कंजम्पशन ऑफ द अदर शुड रिड्यूस. एंड दिस हैपन्स वाई, वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि जब हमारा एक कमोडिटी का एक एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा तो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन रिड्यूस ही करेगा, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? वॉट इज द रीजन फॉर दिस प्रॉपर्टी? ये सारी आपने माइक्रो में पढ़ी हुई है, इसका रीजन क्या होता है? Why, when the consumption of one commodity increases, the other consumption of the other commodity will reduce? What is the reason for this? Nobody remembers. Because the satisfaction level is same on the CIC. To keep the same level of satisfaction. Now, same level of satisfaction, आप लोगों ने indifference curve map में भी ये पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग indifference. नो राहुल, व्हाई डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू स्केल, सॉरी व्हाई डिमिनिशिंग एमआरएस? ऐसे क्यों? उसकी वजह से तो हमारा कन्वेक्सिटी आता है ना, उसकी वजह से तो हमारा कन्वेक्सिटी आता है. हम लोग जब भी सीआईसी ड्रॉ करते हैं या इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, इफ यू गाइज रिमेंबर, उसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारा सीआईसी का शेप चेंज हो जाएगा जैसे ही हमारी टेस्ट और डिमांड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी. ये आपका माइक्रो में भी होगा. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दी सीआईसी आर डिफरेंट इन शेप, डिफरेंट इन शेप ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस.
जब भी हम लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है ना, जिसकी वजह से हमारी टेस्ट चेंज हो रही है या डिमांड प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, तो हमारा पूरा का पूरा इंडिफरेंस कर्व मैप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के केस में और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व मैप एक पूरा नेशन के केस में चेंज हो जाएगा वेन एवर देयर इज चेंज इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. आई एम नॉट सेइंग इनकम इन एब्सोल्यूट टर्म्स, आई एम ऑल्सो सेइंग चेंज इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. वेन वी आर वाई आई एम सेइंग चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर इक्वालिटी ऑफ इनकम, दैट मीन्स दैट द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंग. So, जब भी हमारा एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज होएगा अगर इनकम, तब तो सीआईसी डेफिनेटली चेंज होएगा ही होएगा. बट अगर सेम है और सिर्फ हम लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, हम लोग टूवर्ड्स मोर इक्वालिटी प्रोसीड कर रहे हैं ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ एनी पॉलिसी और प्रोग्राम, इवन देन आर सीआईसीज शेप इज गोइंग टू चेंज बिकॉज आर टेस्ट एंड डिमांड प्रेफरेंसेज विल चेंज. नाउ आई ड्रॉ, आई गिव यू टाइम टू राइट दीज टू लाइन्स जो मैंने ऊपर लिखी है. आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉ नेशन टू सीआईसी मैप. यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं लिखा, सो दिस इज गुड एक्स, दिस इज गुड वाई, हेयर ऑल्सो एक्स, दिस इज गुड वाई एंड दिस इज सी आई सी वन, सी आई सी टू, सी आई सी थ्री. सेम थिंग आई एम राइटिंग, जो नॉर्मल जो पॉइंट्स वहाँ लिखे हैं वही लिख रही हूँ, जस्ट पुटिंग डैश ओवर हेयर एंड दिस इज से एच डैश एंड दिस इज से रैंडम पॉइंट्स ले रही हूँ ई डैश. सो दिस इज फॉर नेशन टू. सो वी विल राइट ओवर हेयर दैट ए डैश इज इक्वल टू आर डैश, बट इट विल गिव लेस सेटिस्फेक्शन देन एच डैश एंड इट विल गिव लेस सेटिस्फेक्शन देन ई डैश, बिकॉज ई डैश इज लाइंग ऑन सी आई सी थ्री, एच डैश इज लाइंग ऑन सी आई सी टू एंड ए डैश एंड आर डैश इज लाइंग ऑन सी आई सी वन. सो indifference curves are not necessarily parallel to each other. No, Bidisha, it is not necessary that they will be parallel to each other. Necessary condition ये है कि हम लोगों का अगर CIC हमें use करना है tangency के लिए तो वो intersect नहीं करने चाहिए. This is not necessary कि वो parallel होएंगे. Micro में हो सकता है आपने जो किया हो, मुझे क्योंकि एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता है, वहां पे आपने पैरेलल अजम्पशन ले लिया हो. जनरली ड्रॉ करते हैं पैरेलल ही करते हैं हम लोग, बट ये नेसेसरी, अगर आप वर्ड नेसेसरी यूज कर रहे हो देन नो, दिस इज नॉट नेसेसरी. नेसेसरी सिर्फ ये है कि यूसेज के लिए इंटरसेक्ट ना हो. Just let me know when you are done with both the pages. I'll just write down the definition of the slope of CIC in terms of this nation one and nation two. Also, slope ki terms se mujhe kuch teen char cheeze likhni hai. And then we'll discuss two, three points associated with the difficulties of CIC. And once we are done with this PPF and CIC, we'll proceed towards the equilibrium in both the countries, taking into account the tangency of CIC and the PPF. Just let me know when you are done with both the pages. Guys, are you writing or you are not writing? If you are writing, at least confirm तो करो कि लिख लिया. जो इंडस्ट्रियल लिखो के स्टार्टिंग में बोलता वही बोल रही हूँ. मेरा मोटिवेशन लेवल आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही आता है. आई कैन नॉट सी यू गाइज. ओके ऑल राइट, इफ एनीबडी वॉन्ट्स मी टू वेट प्लीज मैसेज वेट, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन. सो जस्ट साइड बाय साइड ही लिख लेना, जस्ट राइटिंग फ्यू डेफिनेशंस जो आप लोगों को पता होना चाहिए. सो स्लोप ऑफ सी आई सी वी हैव डिस्कस, दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन.
सो व्हेन वी से एम आर एस एक्स फॉर वाई, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई. ये प्लीज जो लोग अपना एम ए इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एसोसिएटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है इक्विलिब्रियम का, जहां पे आपको एम आर एक्स एक्स वाई फाइंड करना होता है, कुछ वैल्यूज गिवन होती है. तो अगर आप लोग अपोजिट ले लोगे ना, मतलब एम आर एस वाई एक्स ले लोगे, तो वैल्यू उल्टी हो जाती है. और ऑप्शन में तो चार एमसीक्यूज आपके ऑप्शन आते हैं, उसमें वो लोग दोनों वैल्यूज देते हैं, पक्का पक्का देते हैं. तो इसलिए मैं ये क्लियरली लिख रही हूँ, एम आर एस एक्स वाई दैट इज ऑफ एक्स फॉर वाई इन कंजम्पशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाई, द अमाउंट ऑफ वाई दैट अ नेशन कुड गिव अप फॉर वन यूनिट ऑफ एक्स एंड स्टिल रिमेन ऑन सेम सीआईसी. तो जब हम एम आर एस एक्स वाई बोल रहे हैं, इसका मतलब हम वाई को गिव अप कर रहे हैं, ठीक है. और थोड़ा आपको वैसे याद रखने का भी तरीका बता देती हूँ, जो यहाँ पे हमारा लास्ट में टर्म आएगा ना, हम उसको सेक्रीफाइस करते हैं. एम आर एक्स एक्स वाई, जो हमारा लास्ट में, अगर एम आर एक्स वाई एक्स होता तो हम एक्स को सेक्रीफाइस करते. सो जस्ट टू रिमेम्बर, अगर वैसे कंफ्यूजन है तो यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस ऑल्सो. तो जैसे कि हम लोगों ने अब डिस्कस, इस वाले ग्राफ की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे हमारा जो स्लोप एट एन है ना, यहाँ पे जो स्लोप ऑफ एन है, दिस, अच्छा आप लोगों से ही पूछती हूँ, दी स्लोप ऑफ एन इज ग्रेटर देन और लेस देन स्लोप ऑफ ए. दी स्लोप ऑफ एन इज ग्रेटर देन और लेस देन स्लोप एट ए, बताओ. स्लोप एट एन इज लेस देन और ग्रेटर देन दी स्लोप एट ए, बाबा क्वेश्चन है. एन एन पे जो स्लोप होएगा हम लोगों का, वो ज्यादा होएगा या कम होएगा एज कंपेयर टू स्लोप एट ए? प्रॉपर्टी लिखी हुई है ऊपर, कल पूरा पहले भी हमने डिस्कस किया, प्रॉपर्टी ऊपर लिखी तो है. स्लोप एन स्लोप विल बी लेस देन ए. रवि रवि, अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया, डिमिनिशिंग एम आर एस. हाँ, एन मोर स्लोप एट एन विल बी ग्रेटर देन दी स्लोप एट ए. अभी तो हमने ऊपर लिखा है डिक्लाइनिंग एम आर एस, ये तो डिक्लाइन कर रहा है ना, डिक्लाइनिंग एम आर एस. या लेस देन होगी स्लोप एट ए फॉर द नेशन वन डायग्राम. स्लोप एट एन विल बी ग्रेटर देन स्लोप एट ए, जितना स्टीप उतना ज्यादा. मैं वो उल्टा, अच्छा ठीक है. संजना आपको क्लियर हुआ, आप लेस देन किसका बोल रहे हो? क्या आप यही बोल रहे हो जो मैंने लिखा है, या आप कुछ और बोल रहे हो? एंड अगर हम नेशन टू की बात करें, सो नेशन टू में मैंने क्या पॉइंट्स लिए हैं, एक सेकेंड, ए डैश एंड आर डैश. सो स्लोप एट ए डैश विल बी ग्रेटर देन दी स्लोप एट आर डैश. सो दिस इज फॉर नेशन वन एंड दिस इज फॉर नेशन टू. स्लोप एट ए डैश विल बी ग्रेटर देन स्लोप एट आर डैश. So we say that this is the slope of CIC. The next point associated with the slope of CIC is declining MRS. Declining MRS. So we say the more of X and the less of Y a nation consumes, the more valuable, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, अच्छे से पढ़ना ये लाइन. आई एम सेइंग द मोर ऑफ एक्स एंड द लेस ऑफ वाई अ नेशन कंज्यूम्स, द मोर वैल्यूएबल टू द नेशन इज अ यूनिट ऑफ, द क्वेश्चन इज एक्स और वाई.
ज्यादा वैल्यूएबल क्या रहेगा, एक्स या वाई? द मोर ऑफ एक्स एंड द लेस ऑफ वाई अ नेशन कंज्यूम्स, द मोर वैल्यूएबल टू द नेशन इज अ यूनिट ऑफ एक्स. चलो एक मिनट, फिल इन द ब्लैंक्स देती हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे आएगा आपका से एक्स, एक मिनट मेरे को लाइन कंप्लीट करने दो. एक्स और वाई एट द मार्जिन कंपेयर्ड विद अ यूनिट ऑफ एक्स और वाई. सो फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा? जस्ट राइट एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स. दिस इज योर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, दिस इज योर सेकंड फिल इन द ब्लैंक. जस्ट राइट ओके वाई एक्स. ओके संजना, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? लिखने का टाइम दे दूंगी, रिस्पॉन्ड तो कर दो पहले. ओके विदिशा, अविनाश, राहुल, अमित, मुदित, हर्ष, अनुराग, क्या कर रहे हो आप लोग? सो पता नहीं क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो. वाई बाय एक्स आई गेस, यस वाई एक्स. सो दिस विल बी वाई इन द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक एंड दिस विल बी एक्स. हमारे पास जो कमोडिटी कम होती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का भी क्या होता है, जो चीज हमारे पास कम होती है उसकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना, उतना ही ज्यादा हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है. पढ़ा होगा ना आप लोगों ने डिमिनिशिंग के केस में, प्रॉपर टेबल करके माइक्रो में आप लोगों ने किया होगा कि जैसे जैसे हम जो आई थिंक एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल माइक्रो में हम लोग पढ़ते हैं वो यही होता है कि अगर हम लोगों को प्यास लगी हुई है, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर हमको जितना सेटिस्फेक्शन देगा उतना सेकंड नहीं देगा, फिर थर्ड उससे कम देगा, फोर्थ उससे कम देगा. तो जितनी कम अमाउंट हमारे पास बचती है उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन उससे डिराइव होता है. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आप लोगों ने मनी के टर्म्स में भी किया होगा, कार्डिनल यूटिलिटी किया होगा ना, कार्डिनल यूटिलिटी याद होगा आप लोगों को. सो दैट वॉज एन इम्प्रूवमेंट ओवर दी सॉरी जिस ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये दो दो थ्योरीज थी माइक्रो में, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी इफ यू गाइस रिमेंबर. तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मनी की टर्म्स में भी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो फिर उसकी जो कदर है वो रिड्यूस हो जाती है जितना हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करेंगे, और जैसे जैसे पैसे कम होते जाते हैं हम लोगों के पास कैश मनी कम होता जाता है, उतना ही उस मनी से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती जाती है. सो यहाँ पे वही चीज लिखी है ना, द मोर ऑफ एक्स एंड द लेस ऑफ वाई अ नेशन कंज्यूम्स, द मोर वैल्यूएबल टू द नेशन इज अ यूनिट ऑफ वाई एट द मार्जिन कंपेयर्ड विद अ यूनिट ऑफ एक्स. नाउ दिस इज क्लियर, आई होप दिस स्लोप इज क्लियर टू ऑल. जस्ट राइट दिस डाउन, लेट मी नो व्हेन यू आर डन. यस मैम, डन एंड क्लियर ऑल्सो। ओके राहुल, ओके आई होप यू आर डन राइटिंग. इफ एनीबडी वॉन्ट्स मी टू वेट प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई जस्ट राइट थ्री पॉइंट्स विच आर एसोसिएटेड विद दी सी आई सी. दे आर सर्टन डिफिकल्टीज जहाँ पे हम सी आई सी को इतना प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते हैं, बट इन इन डिफिकल्टीज को अवॉइड करते हुए हम सी आई सी को यूज करते ही करते हैं. सो वी शुड नो वॉट आर द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द सी आई सी. इफ एनीबडी वॉन्ट्स मी टू वेट प्लीज मैसेज वेट, अदरवाइज आई एम मूविंग अहेड. सो दस थ्री पॉइंट्स, some difficulties. With CIC. नंबर वन, ऐसे जैसे हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, सो अ डिफरेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट राइटिंग डाउन, अ डिफरेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वुड रिजल्ट इन अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ सी आई सीज विच माइट
इंटरसेक्ट विद प्रीवियस सीआईसीज। जब हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा या एब्सोल्यूट इनकम चेंज हो जाएगा, तो जिस बेसिस पे हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस किया होगा ना, प्रीवियस एनालिसिस किया होगा सीआईसी को कंसीडर करके इक्विलिब्रियम डिराइव किया होगा, हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोगों का अगर 10 साल पहले ये सिचुएशन था और अब हमारी ये सिचुएशन हुई है, सीआईसी मैप्स विल चेंज। सो ये हमारी एक प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन वी यूज सीआईसी टू डिराइव द इक्विलिब्रियम लेवल, टू डिराइव द टेंजेंसी, टू डिराइव दैट सेचुएशन पॉइंट, टू डिराइव दैट सेटिस्फेक्शन लेवल। दिस इज द प्रॉब्लम दैट अराइजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड। जैसे हम लोगों ने कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस में, जब हम लोग इससे, ये अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जब हम लोग कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेड की वजह से, डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम, जस्ट रिमाइंडिंग यू कि ट्रेड की वजह से अगर हम लोग यहाँ पे कंज्यूम कर रहे, सॉरी बिना ट्रेड के हम लोग अपने पीपीएफ पे यहाँ कंज्यूम कर रहे थे, तो ट्रेड के साथ हम लोगों का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो गया था। सो ट्रेड की वजह से भी हमारा जो रियल इनकम है ना वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से हमारे सीआईसीज में हम हायर सी, पहले अगर हम लोग यहाँ पे थे तो अब हम लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि हम लोगों का जो सीआईसी है वो ये पैरेलल ना हो के वो कुछ ऐसा सीआईसी हो जाए, तो इस केस के अंदर भी हमारा पुराने के साथ तो इंटरसेक्ट हो गया ना, तो यहाँ पे भी हम लोगों के जो सीआईसीज है वो कितने यूजफुल है वो हमारा डाउटफुल केस है। आई एम रबिंग दिस डायग्राम, ये आपके सिलेबस में है नहीं, किसी को ड्रॉ करना है तो कर लो, समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया था। So I said that trade will change the distribution of real income in the nation and may cause indifference curves इंटरसेक्ट। दिस इज द सेकेंड डिफिकल्टी। लास्ट पॉइंट लेफ्ट इज, कल विदिशा ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था विच आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, कल या परसों मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, पर मैंने कहा था कि हम यहाँ पे कालडोर हिक्स कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये मुझे याद है, मैंने कहा था हम वो कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे। सो कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल मैं रिपीट कर देती हूँ, दिस एक्चुअली सेज कि अगर हम लोगों ने कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम चेंज किया है, सो उससे जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा है टू दी गेनर्स, और वो बेनिफिट अगर जो गेनर्स हैं वहां से हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं जो लॉस हो रहा है लूजर्स को, और फिर भी हम एक हायर लेवल पे हैं, तो हम लोगों को वो पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। बट इस केस के अंदर अगर हम लोग सीआईसी यूज कर रहे हैं और कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल हम बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर हम हायर सोशल लेवल पे जा रहे हैं कॉम्पेंसेट करने के बाद भी, तो वो पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। बट फिर से वही हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। विदिशा, डू यू रिमेम्बर मैंने आपको कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था? आई थिंक आपने जो मुझसे आयरन ओर वाला क्वेश्चन पूछा था उससे एसोसिएट करके मैंने किया होगा, जब डोमेस्टिक डिमांड की कुछ बात हो रही थी, जितना मुझे याद आ रहा है। या ऑलराइट, सो आई जस्ट राइट दिस प्रिंसिपल। इसके भी ये प्रिंसिपल एक्चुअली पूरी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, विच अगेन इज नॉट इन योर सिलेबस बिकॉज यू आर डूइंग बीबी नॉट इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। सो आई जस्ट राइट द डेफिनेशन। द नेशन बेनिफिट्स From trade, यहां पे ट्रेड यूज किया है बट एक्चुअली ये किसी भी प्रोग्राम और पॉलिसी के लिए होता है। इफ द गेनर्स वुड बी बेटर ऑफ, इफ द गेनर्स वुड बी बेटर ऑफ, दैट इज बेटर ऑफ का मतलब है रिटेन सम ऑफ देयर गेन्स, रिटेन सम ऑफ देयर गेन्स even after fully compensating the losses of the losers. So these are the डिफिकल्टीज विथ सी आई सी, बट हम इन डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज करते हुए और अवॉइड करते हुए अपना इक्विलिब्रियम डिराइव करेंगे। सो जस्ट राइट दिस डाउन, लेट मी नो
और एक चीज बताना मुझे, दो डायग्राम, अच्छा एक 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 चीज सुनो पहले प्लीज, मुझे दो डायग्राम्स करने हैं अभी. सो द नेक्स्ट दैट वी हैव टू डू इज, लिख लेना, टाइम दे दूंगी, फर्स्ट प्लीज लिसन. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, वी हैव टू डू इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन. ठीक है, मतलब जैसे आप लोगों ने पीपीएफ, सॉरी बजट कॉन्स्ट्रेंट और आईसी को यूज करके इक्विलिब्रियम निकाला होगा टेंजेंसी के थ्रू, वैसे ही हमको नेशन वन और नेशन टू का आइसोलेशन में निकालना है, मतलब विदाउट ट्रेड. और उसके बाद हम बोलेंगे कि वो ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड के बाद फिर उनके गेन्स देखने हैं. तो हमें ये चार डायग्राम्स करने हैं, और चार मैं एक साथ इसलिए करवाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कंपैरिजन क्लियर हो जाए विद ट्रेड एंड विदाउट ट्रेड का. तो मुझे ये बताओ कि ये आज करना है या कल करना है, 15 मिनट का टाइम है हमारे पास. व्हाट डू यू वांट टू डू? आई डोंट वांट कि मैं जल्दी जल्दी कराऊं, पर अगर आप लोगों को लग रहा है आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से मेंटेन हो रखा है तो मैं इसको फिर आज ही करा दूंगी, या सिर्फ इक्विलिब्रियम एंड आइसोलेशन वाला कर लेते हैं. इफ यू गाइज कैन होल्ड योर पेशेंस फॉर एंड अटेंशन फॉर 15 मिनट्स, सिर्फ या तो आइसोलेशन वाला कर लेते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से, क्योंकि उसमें भी हमें दो डायग्राम्स करने हैं आइसोलेशन में भी. चलो लिख लो एक बार, पहले ये लिख लो, फिर रिस्पॉन्ड करना, लिखने के बाद रिस्पॉन्ड कर देना. अच्छा कल की क्लास जो लोग आज हैं, एटलीस्ट कल की क्लास मिस मत करना. जो फर्स्ट टू डायग्राम्स हैं वो तो सिंपल डायग्राम्स हैं, बट जो नेक्स्ट टू ट्रेड के बाद वाले डायग्राम्स हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा कर्व्स हैं. हो सकता है आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम हो, रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली आपके पास हमेशा रहेगी, बट इवन देन आई वुड से कि क्लास थोड़ा मिस कर मत करना, कोशिश करना मिस ना हो. Just let me know when you are done with this and let me know what you want to do. स्टिल राइटिंग, स्टिल राइटिंग, इतना तो लिखा नहीं है. अच्छा ओके अविनाश. व्हाट अबाउट अदर्स? चलो आई कल कर लेंगे, कोई नहीं. जस्ट राइट दिस डाउन प्लीज, बट डोंट मिस टुमारोज क्लास. मुदित मैं अभी देख ही लेती हूँ, इनफैक्ट मैंने क्या अपलोड किया है ना उसमें क्लासरूम में, गलती से हो गया होगा या तो. आई जस्ट चेक. यस मैम, क्योंकि उसमें जो क्लास कोड भी दिखा रहा है ना, वो हमारी क्लास कोड का है ही नहीं, वो जेड से कुछ शायद से. हाँ हो सकता है गलती से हो गया बेटा, एक सेकेंड. हाँ ये आपका नहीं है, दिस इज नॉट योर्स, दिस इज बाइनोमियल, आई जस्ट एडिटेड. सो व्हाट डेट वाज इट? 18th, 13th, 14th का होगा. मुदित उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया उस दिन. हाँ वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई मुदित, मैंने क्लास में कहा था कि ये आज क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है, कोई आया भी नहीं है, वो क्लास ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी बेटा. मैम उस दिन हुआ क्या था, मतलब उस दिन मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ था. उस दिन स्मॉल कंट्री केस तो आपने पहले किया होगा ना, आई थिंक स्मॉल कंट्री केस पे ही मैंने एंड किया था उससे पहले वाला लेक्चर. सो स्मॉल कंट्री केस में आई जस्ट ड्रॉ एंड टेल यू, द डायग्राम इज नॉट इन योर सिलेबस. स्मॉल कंट्री केस हमने अगर कुछ ऐसा ड्रॉ किया है लाइक दिस, और फिर हमने इसका सप्लाई कर्व ऐसे किया था ना, ऐसे करके हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ किया था और हमने डिमांड यहाँ ड्रॉ की थी,
यहाँ तक तो क्लियर होगा ना मुदित? तो यस मैम, क्लियर। इसके बाद हमने कहा था कि अगर एक स्मॉल कंट्री है जिसका डिमांड रिड्यूस हो जाता है, तो एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है कि उसका जो डिमांड है वो ऐसे इतना ज्यादा शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जो डिमांड ऑफ वीट इन यूके है वो रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से जो टोटल डिमांड ऑफ वीट है वो शिफ्ट हो गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब जब यहाँ पे आई थिंक ये 180 था, जब यहाँ पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करता था यूएस, अब क्योंकि जो डिमांड है वो कम हो गई है वीट की, तो वो कुछ डिमांड कम हो गई है तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन क्लॉथ का भी अपने आप करेगा, क्योंकि अब यूके जो है वो इतना ज्यादा वीट डिमांड नहीं कर रहा है। तो वो जो हमने बोला था कि वो 1-on-1 एक्सचेंज है, शायद 70 यूनिट्स ऑफ वीट फॉर 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बोला था जितना मुझे याद है। तो अब जब ये 70 यूनिट्स ऑफ वीट यूके डिमांड ही नहीं कर रहा है, जब सपोज वो करी 30 यूनिट्स ऑफ वीट रहा है, तो वो 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ थोड़ी ना देगा यूएस को, वो सिर्फ 30 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ देगा। तो उस केस के अंदर हम लोगों का जो क्लॉथ का प्रोडक्शन होएगा वो कुछ ना कुछ क्लॉथ का प्रोडक्शन यूएस भी करेगा। तो स्मॉल कंट्री केस में इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन मतलब कि यूएस कंप्लीटली, यहाँ पे हमने वीट लिया था शायद, नहीं हाँ यहाँ पे वीट था और यहाँ पे रिलेटिव प्राइस था, तो यूएस कंप्लीट स्पेशलाइजेशन वीट में नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ अपनी रिसोर्सेज को क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए भी रखेगा। और यहाँ पे रैंडम ले रही हूँ, सपोज 120 यूनिट्स ऑफ वीट ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अब तो उसको 70 यूनिट ऑफ वीट एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, सिर्फ 30 यूनिट्स करना है। तो वो कुछ ना कुछ अपने रिसोर्सेज को सेव करके क्लॉथ में यूज करेगा और अपना क्लॉथ का प्रोडक्शन भी करेगा। पहले अगर हम 180 बोल रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि यूएस 0 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहा ठीक है है। मैम। ओके मुदित, मैम ये टेस्ट में आएगा? ठीक ये डायग्राम है ही नहीं आपके सिलेबस में ही नहीं है डायग्राम, है मैम। सिलेबस में सिर्फ थ्योरी है। आप चाहो तो एक सेकंड में आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। सिलेबस में इसकी सिर्फ एक लाइन मेंशन्ड है, जस्ट लेट मी, सिंस वी हैव 10 मिनट्स, मैं आपको एक बार बुक ही ओपन करके यहाँ से शेयर कर देती हूँ। आई जस्ट डू इट, वेट। सो इसमें आपकी आपकी रीडिंग्स में तो एक ही लाइन लिखी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें क्लियर हो तो अच्छा है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग फ्रॉम माई लैपटॉप। मैम उस दिन के कोई रिटर्न नोट्स भी थे क्लास में जो आपने लिखे थे? नहीं, उस दिन ओके मैंने आईपैड से कनेक्ट ही नहीं किया था ये डायग्राम, बल्कि आज ही ड्रॉ हुआ है। मैम, उस दिन आईपैड कनेक्ट ही नहीं किया मैंने। सो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा। सो आई जस्ट ओपन दैट स्मॉल कंट्री केस। सिर्फ हमने ये केस स्टडीज डिस्कस की थी, इनफैक्ट उस दिन तो हैंग भी हो गया था। हाँ नाउ आई रिमेंबर दैट डे वॉज, इट वॉज नॉट अ गुड क्लास, ये हैंग हो गया था मेरा लैपटॉप लास्ट में जाके। हमने केस स्टडीज डिस्कस किया था, केस स्टडीज डू नॉट कम इन योर एग्जाम्स, ये वाली केस स्टडी भी डिस्कस की थी एम्पेरिकल टेस्ट वाली। जस्ट गो, हाँ ये रहा स्मॉल कंट्री केस, आई जस्ट जूम इट इन। या आई होप यू कैन रीड दिस। सो यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है दिस वुड अकर इफ द यूनाइटेड किंगडम वर अ स्मॉल कंट्री दैट स्पेशलाइज्ड कंप्लीटली इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, एंड द यूएस वर लार्जर डिड नॉट स्पेशलाइज कंप्लीटली इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। दिस इज नोन एज द स्मॉल कंट्री केस, एंड द स्मॉल कंट्री केस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अनइम्पॉर्टेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अनइम्पॉर्टेंट मतलब ऑल दो यूके इतनी छोटी कंट्री है कि वो वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, बट उसने एक बड़ी कंट्री के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल दिया, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस हो गई कि अब जो यूएस है वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। सो दिस बेनिफिट हाउएवर इज नॉट विदाउट कॉस्ट, सिंस द स्मॉल नेशन हेयर दैट इज यूके फेसिस द रिस्क ऑफ अ पॉसिबल फ्यूचर रिडक्शन इन डिमांड फॉर द ओनली कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस। तो ये लास्ट लाइन का ये मतलब है कि अब क्योंकि सपोज सिर्फ 30 यूनिट्स ऑफ वीट एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस से यूके को, पर यूएस को तो 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ चाहिए, तो यूएस क्या करेगा, कोई ना कोई अपना अग्रीमेंट या कोई डिफरेंट ट्रेड पार्टनर सर्च करेगा जहां पे वो अपना प्रॉपर एक्सचेंज कर पाए 70 यूनिट्स ऑफ वीट फॉर 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, सो दैट यूएस को इनकम्प्लीट स्पेशल ना करके कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करना पड़े। तो आपकी बुक में ना सिर्फ यही 3-4 लाइन मेंशन है स्मॉल कंट्री केस की, बट इसके ऊपर फिर भी मैंने आपको अच्छे से कराया है, ऐसा ना हो 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और उसमें भी फिर ऐसा हो कि जितना बुक में गिवन है ओपन बुक है तो आप वहीं से ये 3-4 लाइनें लिख दो, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आया, एक छोटा क्वेश्चन अटैच होके आ गया, तो एटलीस्ट आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। ओके मैम, इज इट क्लियर मुदित? यस मैम, क्लियर, यस मैम, क्लियर क्लियर।
बस उस दिन यही हुआ था, केस स्टडी डिस्कस हुई थी, एम्पेरिकल टेस्ट डिस्कस हुआ था और स्मॉल कंट्री केस डिस्कस हुआ था, और उसके बाद मेरा मेरा पीडीएफ हैंग हो गया था, पता नहीं ये वाला हैंग हो गया था, लैपटॉप वॉज फाइन. सो आई विल जस्ट टेक योर अटेंडेंस.